ओके गाइस, तो क्या आप लोग जानते हैं कि BCE और CE किसे कहते हैं? मतलब आपने बहुत सारी जगह लिखा होगा, देखा होगा बुक्स वगैरह में कि 1000 BCE या 1000 CE, इसका मतलब क्या होता है आखिर? हिस्ट्री में ये किस चीज़ को बोलते हैं? वेल, अगर आप लोग हिस्ट्री में पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री का। अगर आप लोग को ये क्लियर हो गया एकदम 100%, तो हिस्ट्री में आपको कभी भी कोई किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस, इसका बेसिक सा फंडा है। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी है, मैथ्स में आप लोगों ने नंबर लाइन जरूर पढ़ी होगी, टाइम लाइन, जो नंबर लाइन को बोलते हैं, नंबर लाइन, वो मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ी होगी आपने। इसमें नेगेटिव नंबर एक साइड होते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर जो है एक साइड होते हैं, और बीच में एक पॉइंट पर ये लोग आकर मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम जीरो। जिस पूरी नंबर लाइन को बोलते हैं इंटीजर्स, जिसको बोला जाता है। तो इसी तरह सेम हिस्ट्री में होती है टाइम लाइन, जिसमें टाइम दो पैरेलल वर्ल्ड में जो है फ्लो करता है, जिसको एक को हम बोलते हैं BCE और एक को बोलते हैं CE। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, एक नेगेटिव टाइम और एक पॉजिटिव टाइम, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर आके मिलते हैं, जिसको बोला जाता है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो गाइज, ये ऐसा है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो गॉर्जियन कैलेंडर पढ़ते हैं, जो क्रिश्चियन कैलेंडर है हम उसके हिसाब से पढ़ते हैं। आज की डेट वगैरह सब हम लोग उसी कैलेंडर के हिसाब से मैनेज करते हैं। तो उस कैलेंडर में मान लिया गया है कि जो जीसस क्राइस्ट की पैदाइश हुई, जो बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, उसको हिस्ट्री में पहला दिन और पहला साल मान लिया गया, और उसके पहले का जितना भी टाइम है उसको माना गया BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद का जितना भी टाइम है उसको मान लिया गया AD यानी कि आफ्टर डेथ। तो यह जनाब ईसा यानी कि जीसस क्राइस्ट की बर्थ और डेथ पर जो है इस टाइमलाइन को रिवॉल्व किया गया, और बीच में जो पर्टिकुलर टाइम था उसको माना गया CE यानी कि कॉमन एरा। जो बाद में जाकर जर्मन रूल आया, तो जर्मन ने इस चीज़ को चेंज किया और AD को कर दिया एनो डोमिनी, आफ्टर डेथ जो था उसको कर दिया एनो डोमिनी, और फिर इस तरह से टाइम जो है दोबारा बढ़ गया। लेकिन जब ब्रिटिश और अमेरिकन ने मिलकर इसको पर्टिकुलरली एक कॉमन चीज़ बना दी, इसमें जो बर्थ ऑफ क्राइस्ट है ये थोड़ा क्रिश्चियन हिसाब से लगता है, और अब जो कैलेंडर ग्लोबल है और हर कोई जो जीसस क्राइस्ट को नहीं मानता, तो इसलिए इस पर्टिकुलर चीज़ को एक एक ऐसे वे में सेट किया गया जो पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो इसको सेट किया गया बिफोर कॉमन एरा, जो BC था बिफोर क्राइस्ट था उसको बना दिया गया बिफोर कॉमन एरा यानी कि BCE, और जो AD था आफ्टर डेथ उसको बना दिया गया CE कॉमन एरा। तो यहाँ पर हिस्ट्री की जो टाइमलाइन थी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। तो जीसस क्राइस्ट से पहले का जितना भी टाइम है, जीसस क्राइस्ट की पैदाइश से पहले का जितना भी टाइम है उसको काउंट कर लिया गया BCE में, और जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के बाद का जितना टाइम है उसको मान लिया गया कॉमन एरा में। तो भाई जो BCE है वो उल्टे वे में चलता है, मतलब 1000 पहले आएगा, 500 बाद में आएगा, 400 बाद में आएगा, फिर 300, फिर 200, फिर 100, फिर 99, फिर 50, फिर 10, फिर 0, फिर 0 स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4 इस तरह से, और आज 1, 2, 3, 4 करके 2022 साल हो चुके हैं। और अगर हम डेट की बात करें, जो आज डेट है, आज की जो डेट है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो है 29 अप्रैल 2022। तो इसका चीज़ से मीनिंग निकलता है कि आज जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए हुए 2000 साल 8 महीने और 29 दिन हो चुके हैं, इस पर्टिकुलर वर्ड का ये मतलब निकलता है। तो गाइस, होप है कि आप लोग को इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर कमेंट में अपनी व्यूज़ जो है शेयर कर सकते हैं, और अगर इसी तरह की फर्दर वीडियोस को डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। ओके।